लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी और क्या आह्वान क्या है अपने कार्यकर्ताओं से? देखिए, हमारे चुनाव को लेके पूरी तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाती है। जिस समय मर्जी चुनाव आए, वो हर समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा प्रत्याशी पार्टी ने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है, जिससे कि हम ये चुनाव हर हालत इसको चुनाव को जीतने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आजमगढ़ की सीट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आजमगढ़ में भी बहुत अच्छा हमारा प्रत्याशी पीछे रहा है, जो अखिलेश के मुकाबले बहुत कम अंतर से हारा है। तो इस बार भी लोगों ने उस समय थोड़ी सी गलती करी थी, इस बार वहाँ के लोग उनके बहकावे में नहीं आएंगे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, ये मैं कह रहा हूँ। आजम खान ने कहा है कि भाजपा से हमेशा अदावत रही है, कल भी थी और आज भी रहेगी। देखिए, बात यह है, यह अपनी अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाने का तरीका है। अब वो क्या कहते हैं चुनाव के समय और क्या कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है, मगर फिर भी हम अपनी तैयारी में लगे हैं, हमें अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, हमें किसी की भी बातों में या किसी के भी इस स्टंट में नहीं आना है। हमारा फोकस कि लोगों की आम जनता तक जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में लाभ पहुंचा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लाभ पहुंचा है, उस लाभ से जनता, क्योंकि सीधा सीधा जनता के साथ जुड़ाव हमारे पार्टी का, हमारे पार्टी के नेताओं का रहा है, उसका लाभ हमें मिल रहा है। और ईमानदारी से लोग जो हैं, ईमानदारी से लोगों को जो लाभ मिला, उसके तहत वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में वोट देते हैं। अच्छा सर, कि जिस तरीके से हिंसाएं सामने आ रही हैं और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या बदलाव होना चाहिए और क्या कहेंगे आप देश की जनता से? कोई हिंसा मेरी समझ में कोई नहीं आ रही, और आप देखिए कि भी चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो और चाहे 22 का चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, जनता के विकास का मुद्दा नहीं है और प्रदेश और देश का मुद्दा नहीं है, इसलिए वो गलत दिशा में अपने लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं, जिसमें देश हित में ठीक नहीं है।